हेलो सर, हमारी बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 501 से चीखने की आवाजें आ रही हैं सर। अच्छा, कैसी आवाज? ये तो पता नहीं है सर। आप खुद जाकर चेक कर लो ना। सर, वहाँ से बहुत बदबू आ रही है, मुझे डर लग रहा है सर। सर, आप लोग आके चेक कीजिए ना सर। ठीक है ठीक है, दो कांस्टेबल्स को भेजता हूँ, वो आकर उस प्रॉब्लम को देख लेंगे। ठीक है, ओके सर, थैंक यू। जरा एक मिनट लाइन पर रहिए। राजू सुनो। सर, ये फोन लो, उनका एड्रेस लिखो और जाके देखो क्या प्रॉब्लम है। ओके सर। अपने साथ उस गिरी को भी ले जाओ। ठीक है सर। हेलो सर, आपका एड्रेस बताइए मुझे। 1-23/A गायत्री नगर, आनंद बाग। वो यहाँ ऊपर ही रहता है। सुरेश, सामने देख। लोग उतरो। ए रामू। हाँ जी साहब। तो वहां क्यों रुकिया रे, अंदर चल। सर प्लीज सर, आप लोग जाइए, मुझे मुर्दा खाना से डर लगता है, वहाँ भूत होते सर। अरे कुछ नहीं है, चल आप जाइए ना। प्लीज सर, मैं यहीं रुकता हूँ, आप लोग जाइए। अरे हम पुलिस वाले हैं, ऐसा डरेगा तो कैसे चलेगा। सर पुलिस वाले ही हम जानते हैं, उन लोग को थोड़ी पता है, उन लोग के लिए सब एक जैसे होते हैं, उन्होंने पकड़ लिया तो जिंदा मार देंगे। आप जाइए ना। पागल कहीं का, ये मुर्दा खाने में भूत कब से होने लगे। आप चलिए।
चार्जर हटाओ। अरे हटाओ। क्या आप इस बॉडी को पहचान सकते हो? एक बार फिर से देख लीजिए। सिर पर चोट लगने के कारण उनकी याददाश्त चली गई है, तो अब तक जो कुछ भी हुआ है वो सब भूल चुके हैं, यानी वो सब कुछ डिलीट हो चुका है। पर ये टेम्पररी मेमोरी लॉस ही है। ट्रीटमेंट कंटिन्यू रखेंगे तो कुछ दिनों बाद नॉर्मल होने के चांसेस हैं। फिलहाल तो ये किसी को भी पहचान नहीं सकते। से मुझे क्या देख रहे हो? कोई गिफ्ट दे रहे हो क्या? तुम तो वो गिफ्ट हो जो भगवान ने मुझे चुन के दिया है। मैं तुम्हारे लिए जितना कुछ करूं वो कम ही होगा। सब कुछ भगवान के लिए, मेरे लिए कुछ भी नहीं। आज के दिन के लिए इतना ही काफी है जानू। ऑफिस के लिए देर हो रही है जानू। सच्ची? आज के दिन तुम छुट्टी ले लो ना। मेरी जान, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, शाम को मिलते हैं, ठीक है ना? इन्हें तो मेरा बर्थडे भी याद नहीं है, मुझे विश तक नहीं किया। छोड़ो, नसीब ही फूटा है। जानू, ऑफिस के लिए निकल रहा हूं, दरवाजा लॉक कर लो, बाय। सिर्फ ऑफिस ही याद रहता है। तुम भी ना। हैप्पी बर्थडे। तो सुबह से इतने नखरे क्यों दिखा रहे थे और विश भी नहीं किया? मैं तो बस नाटक कर रहा था तुम्हें रोते देखने के लिए। आई लव यू। I love you too. शाम को तैयार है ना? डिनर पर चलते हैं। पसंद आया? ओके, बाय। बाय। Mm-hmm.
हेलो अनु। मुरली मुझे बहुत डर लग रहा है। मुरली डर लग रहा है पर क्यों? तुम घर जल्दी आ जाओ प्लीज। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आ रहा हूं। हेलो 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 अनु, अनु 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 तुम यहाँ हो? आई ओके? कुछ तो बोलो, डरने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं। तुम्हें क्या हुआ है अनु? शाम को बाहर जाने वाले थे ना डिनर के लिए, अचानक तुमने कैंसिल कर दिया। इतनी गुमसुम क्यों हो? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ तो बताओ। अनु 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 तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ तो हुआ है। बोलोगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? क्या करूं? हेलो कौन है? अनु 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 अनु
अनु सर, इनका नाम मुरली है, ही इज फ्रॉम वाइजैक। इनका वहां पे भी कोई रिश्तेदार नहीं है, ये बिल्कुल अनाथ है। जिस लड़की का खून हुआ वो और ये साथ में पढ़ते थे, इन्होंने लव मैरिज की। कुछ टाइम पहले इस अपार्टमेंट में रहने आए थे सर, और ये सब घटना घट गई। ओके सर, एक्सक्यूज मी, आप थोड़ी देर के लिए बाहर बैठिए। मुझे तो इस पर भी डाउट है, लेकिन इसकी याददाश्त लौट आने तक तुम लोग इसे अपने ऑब्जर्वेशन में रखो। इस पर अपनी नजर बरोबर बनाए रखना, क्योंकि यही इस केस का सबसे अहम गवाह है। ओके सर। क्या? ये तू क्या बोल रहा है? मैं मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया। ए सुनना, तेरी इतनी धुलाई किसने कर दी? बोलना रे। उस छोकरी को टपकाने वाला था ना, टपका दिया क्या? अरे नहीं, अपन से नहीं होगा, अपन नहीं टपका सकता। तो फिर वो लड़की मर कैसे गई भाई? अरे बताना यार। अपन उस लड़की को टपका नहीं गया था, पर उससे पहले ही किसी ने उसे लुढ़का दिया था, और फिर उसके बाद वहाँ ah!
बोल तू क्या सा बोल बोलना ओए ये पांच पांडव की सेना कहाँ जा रही है अंदर ए वहां बैठ चल सब जाता हूं ओए ये पुलिस स्टेशन है कोई भाजी मार्केट नहीं जोड़ के चले आए यहाँ हम जानते हैं ये भाजी मार्केट नहीं है हम तो बस कंप्लेंट लिखवाने आए हैं बड़े साहब हैं क्या क्या सीधा बड़े साहब से मिलना है मैं खातिरदारी नहीं कर सकता हूँ नहीं आप भी कर सकते हैं लेकिन बड़े साहब जरा क्या मैं टाइम पास दिख रहा हूँ पहले मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ अगर प्रॉब्लम लगा तो अंदर बताऊंगा यहाँ प्रॉब्लम मत करो हमारे ऊपर के फ्लोर से रात को अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं सर तो कान में रुई डाल लो या ऊपर जाके कह दो कि शोर ना मचाए प्रॉब्लम सॉल्व्ड इतनी सी बात के लिए पूरा मोहल्ला उठ के आ गया वही तो ऊपर किससे बात करनी समझ में नहीं आ रहा जरा मदद कीजिए सर मतलब सर एक साल हो गया फिर भी आवाजें आ रही हैं हम सबको लगता है कि वहाँ एक भूत है क्या वहाँ भूत रहता है जी हाँ सर भूत ने आके तुम लोग को उसका आधार कार्ड दिखाया था क्या वहाँ भूत ये बात कैसे मालूम हम ही नहीं ये बात तो आप भी जानते हैं हम हाँ साल भर पहले वहाँ एक लड़की का कत्ल हुआ है क्या बोल रहे हैं अब वही लड़की भूत बन चुकी है और लोगों को परेशान करती है इसीलिए कई लोगों ने अपना फ्लैट बेच दिया सस्ते में मिल रहा था इसीलिए ले लिया सर अब रात को घर से निकलना ही मुश्किल हो गया है क्या बोल रहे हो तुम लोग कंफ्यूज करने आए हो कि कंप्लेंट करने आए हो पहले डिसाइड कर लो फिर बताओ कंप्लेंट करने आए हैं सर पक्का कंप्लेंट ना हाँ। भी भूत की कंप्लेंट तुम लोग का दिमाग तो ठिकाने पर है ना आपको जो करना है कीजिए सर पर हमारी परेशानी किसी भी तरह दूर कीजिए प्लीज सर असल में वो ये कंप्लेंट ना बहुत बड़ी कंप्लेंट है मैं छोटा हवलदार हूँ अंदर बड़े सा बैठे मैं जाके उनको ये कंप्लेंट बताता हूं इसीलिए तो हम उनसे पहले मिलना चाह रहे थे हमें पता है आप फट्टू हो हाँ मैं हूँ फट्टू तुम लोग भी डरे हुए हो इसलिए यहाँ पे आए हो ना पर मेरे जो बड़े साहब है ना वो तुम लोग की ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व कर देंगे वो तो हमें पता ही है हम तो बस आपको आजमा रहे थे बड़ा मजाक सूझ रहा है भूत के सामने तुम लोग की बोलती क्यों बंद हो जाती है साहब के सामने ज्यादा मुंह मत खोलना उनका मुंह कम और हाथ ज्यादा चलता है चलो अंदर चलते हाँ हाँ चलो सब अंदर चलते हाँ भाई चलो सारे मार के ही दम लूंगा बोल बोल जल्दी बोल 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 जल्दी सर बोल ये लोग आपसे कुछ बात करना चाहते हैं ये लोग कौन है इनकी छोटी मोटी कंप्लेंट है सर कंप्लेंट सर कंप्लेंट हाँ कैसी कंप्लेंट चाय ला ले क्या बात है वो सब ठीक है बताओ उस फ्लैट का ओनर कौन है मैं हूं सर तुम उसी फ्लैट में रहते हो क्या नहीं सर अभी दूसरे घर में रहता हूं मैं उस घर में कोई रह ही नहीं सकता सर उस घर में तुमने भूत को देखा है क्या मैंने तो भूत को नहीं देखा पर मेरी बीवी ने देखा है और तभी से उसकी तबीयत बहुत खराब रहती है सर देखो जो भी हुआ है सब ठीक से बताओ जो भी हुआ है डिटेल में बताना हा? घर में उस लड़की के मरने के बाद से जब कोई किरायेदार आने के लिए तैयार नहीं हुआ तो हम खुद ही घर में रहने के लिए चले गए सर वहां रख दीजिए कर रहे हैं मुझे आवाज की नहीं थी मैं आ जाती मदद करने पहले ही दिन मुझे जबरदस्त झटका लगा सर और फिर दूसरे दिन भी रात को कुछ ऐसा ही हुआ
तो उस फ्लैट में भूत है, तुम ये बात कंफर्म कर चुके हो। तो मैं क्या करूं, उस भूत को अरेस्ट करके अंदर जेल में डाल दूं, यही ना? हम जो बोल रहे हैं वो सच है सर। क्या बोला? हम सच बोल रहे हैं सर, हमारी बातों पर यकीन कीजिए। हमने बहुत बार कंप्लेंट की पर हमारी बातों पर ध्यान नहीं दिया गया सर जी। कम से कम आप तो हमारी बातों पर यकीन करके इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाल सकते हैं सर, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। प्लीज सर, इन सब बातों को मैं मानता नहीं। ठीक है, तुम इतने यकीन के साथ बोल रहे हो तो उन सब के लिए कुछ उपाय भी होते हैं। वो सब क्यों नहीं ट्राई किया, मेरे पास क्यों चले आए? हमने वो भी किया था सर, आत्मा से छुटकारा पाने के लिए हमने एक बाबा को भी बुलाया था सर। हाँ। और उसने आने के बाद, डरने की कोई बात नहीं, हम बस यूं गए और यूं आए। हमारे लिए भूत पकड़ना बहुत इजी है, बाबा जी ने पहले से ही दो भूत पकड़ रखे हैं। ये देखिए उनकी आत्माएं, टेस्ट ड्राइव करोगे? हम पति पत्नी को आप पर पूरा भरोसा है बाबा जी, अगर हमें इससे छुटकारा मिल गया तो आपका बड़ा एहसान रहेगा हम पर। भाई साहब, एहसान से घर नहीं चलता, पैसे तो देने ही पड़ेंगे, सही कहा ना? शर्मा, आप जैसा कहें, मैं तो जानकारी दे रहा था। ठीक है, मैं जब उसे बंदी बनाऊंगा तो उस आत्मा के नस फटने की आवाज सुनाई देगी। तुम लोग बिल्कुल मत डरना, जरूरत पड़े तो उस दरवाजे को बंद कर लेना, चाहे जितनी भी आवाज सुनाई दे दरवाजा मत खोलना, क्योंकि अगर दरवाजा खुल गया ना तो भूत भाग भी सकता है, समझे? भूत भाग गया तो कुछ हाथ नहीं लगेगा। शर्मा, अंदर चलो। कुछ अजीब सा लग रहा है ना? अजीब नहीं लग रहा बाबा जी, ये भूत प्रेत आत्मा ऐसा कुछ भी नहीं होता है। फॉग मशीन के धुएं को इसमें डालकर लोगों को बेवकूफ बनाना, ये सिर्फ आप ही को आता है। नहीं शर्मा, यहां पे कुछ अजीब सा जरूर है। Yeah।
और क्या? अरे बोलो, उस घर के बारे में और कौन जानता है? अपुन जानता है। ये कौन बोला बे? अपुन जानता है। अपुन भी जानता है सर जी। ये अभी जो तुझे प्रसाद मिला वो कम पड़ गया क्या तुझे? अपुन लोग माफी मांगता है सर। माफ कर दो। उस घर के बारे में अपन को सारी जानकारी है सर। ये बात तुझे कैसे पता? एक दिन अपार्टमेंट में अपुन लोग चोरी करने गए थे सर। तो अरे क्या यार, एक दिन मैं और मेरा पंटर अपार्टमेंट में चोरी करने गया था तो हाँ तो क्या तब ऐसा कुछ हुआ कि ए पंटर दरवाजा तो खुला है चलना सुन, अगर दरवाजा खुला है तो अपन लोग आराम से चोरी कर सकते हैं। पागल है क्या? अपन चोरी करने आया है, शादी में नहीं आया है। अपन आराम से धीरे धीरे अंदर चलेगा। ठीक है, ठीक है, समझ गया। अच्छा क्या कर रहा है बे? तूने तो कहा था कि तेरे को आवाज नहीं आनी चाहिए, इसलिए दबे पैर चल रहा था। आराम से का मतलब ये नहीं कि चिंपांजी की तरह कूदेगा, एक एक कदम आराम से रखने का, समझा? ठीक है, ठीक है। तेरी धड़कनों की आवाज भी अपन के कान में नहीं आनी चाहिए, समझा क्या? चल अब। अब ये क्या कर रहा है? तूने तो कहा था कि तेरे को कुछ सुनाई नहीं देना चाहिए, इसलिए मैंने तेरे कान पर हाथ रख दिया। अपना ये नाटक मेरे सामने मत दिखा। मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, तूने जैसा बोला मैंने वैसा किया। सॉरी यार, सॉरी, गलती से मिस्टेक हो गई भाई, सॉरी। क्या बात है, सोफे को भी टकाटक कपड़े पहना दिए, क्या बात है, मजबूत पार्टी लग रही यार, मजबूत। अपनी तो किस्मत ही चमक गई है भाई, अपन तो इधर ही सोएगा आज। ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है? काय को मार रहा है? पता अपन को क्या कर रहा है? बस इस सोफे के मजे ले रहा था भाई, बहुत दिन बाद ऐसा मजा मिल रहा है। सोफे का मजा लेगा? चोरी करने आया या यहाँ पर सोफे का मजा लेने आया? अपन लोग तो यहाँ चोरी करने आए हैं। दिमाग से निकल गया था भाई, माफ कर दे भाई। चोरी कैसे करते अपने को मालूम नहीं है, अपन सिखाएगा ना? जुम्मे की रात है, चोरी की बात है, अपन को समझ नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करें। अपन को लगता है अभी अभी पीछे से कोई निकला, तो जी भी ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई है। अपन को लगता है कि यहाँ से कोई लड़की सफेद कपड़े पहनकर कल्टी मारी है। सफेद कपड़े पहनकर? हाँ, तब तो अपन को संभल कर रहना पड़ेगा ना। हाँ तो सही बोल रहा है। काय को डरा रहा है? तू डरता या नहीं, अपुन ये चेक कर रहा था। अपुन भी अपना थप्पड़ टेस्ट कर रहा था। तू उस रूम में जा, अपन इस रूम में जाएगा और माल लाएगा। एकदम झकास आइडिया दे भाई। जिसको जो मिलेगा वो उसका हो जाएगा। चल जा, जा। कितना नौटंकी करता, मस्त खजाना मिलना चाहिए बाहर। ए भाई, तू अभी अंदर गया था ना, क्या देखा तूने? का फोटो देखा भाई। हाँ, एकदम शिल्पा चदरवाल जैसी लगती है। अबे उसका असली नाम शिल्पा शेट्टी है। ओ, तो ये था उसका असली नाम। ये नहीं सुधरेगा, रियल में तो देख नहीं पाया भाई। हाँ। पर फोटो में वो एकदम मस्त टकाटक लग रही है। अच्छा, अपन एक काम करता है, अपन उसके दर्शन करके आता है। ठीक है, जा तू भी उसके दर्शन कर ले भाई, तेरे भी बात खुल जाएंगे भाई। अरे ये कैसी लड़की है यार? ये क्या, ऐसे तो दर्शन करने भेजा था और इसने तो कल्टी मार ली, जैसे चुड़ैल ने लाफा मार दिया हो। अपुन हार मानने वालों में से नहीं है। जुम्मे की रात है, जुम्मे। नहीं, मेरे को लाफा मत मार, मेरे को पत्नी के लिए पकड़नी पड़ेगी। सर, हमारे अपार्टमेंट में हुई घटनाओं के बारे में एक लड़की ने इंटरनेट में ब्लॉग भी लिखा है। अगर आप एक बार पढ़ लेंगे तो और भी जानकारी मिल जाएगी सर। ये है असली बात, आजकल लोग फेमस होने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अरे ये 21वीं सदी है, इंसानों का काम है ये, बहुत बहुत कुछ नहीं होता है, समझ रहे हो कि नहीं? कम टाइम में फेम कमाने के लिए यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करना और फिर उसे सोशल मीडिया पे अपलोड करना, ये सब फैशन बन गया है।
ये अगर एक टाइप के हैं तो दूसरे टाइप के भी लोग हैं। दूसरे टाइप के लोग से मेरा मतलब है दहशतगर्दी फैलाने के लिए उनको शेल्टर की जरूरत होती है, समाज का ध्यान भटकाने के लिए, आसपास के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए वो ऐसे ट्रिक्स प्ले करते रहते हैं। मैंने ऐसा बहुत देखा है। यह बिल्कुल इंसानों का ही काम है, ये मैं साबित करूंगा। ए राजू सर, इन सब लोगों की कंप्लेंट ले ले। ओके सर। इन्वेस्टिगेशन करके मैं ये साबित करूंगा कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है। ये सब मुझ पर छोड़ दो। ओके। Hello, is it Anjali? Yes. हाँ बोलिए। My name is Ajay Ghosh, police officer. Okay. कुछ नहीं, मैं अभी अभी आपका आनंदी रेजिडेंस के ऊपर लिखा हुआ ब्लॉग पढ़ रहा था। मुझे इस बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए। क्या मैं मिल सकता हूँ आपसे? अभी मैं घर पे नहीं हूँ सर। आप नहीं हैं? Okay. उस फ्लैट के बारे में कुछ सवाल पूछने थे, आप जवाब दे सकती हैं? हाँ बिल्कुल दे सकती हूँ। बस कुछ नहीं, आप उस फ्लैट में क्यों जाना चाहती हैं? भूतों के बारे में जानने में मुझे बहुत ही इंटरेस्ट था। जब मैं छोटी थी ना सर, तब मैं बहुत ज्यादा नखरे करती थी खाना खाते वक्त। तब माँ मुझे कहती थी अगर तुमने अपना खाना नहीं खाया तो भूत आकर तुम्हें लेकर जाएगा, ऐसा हर बार कहती थी। फिर एक दिन मैंने अपने माँ से जिद की कि आज मुझे भूत को देखकर ही रहना है, और माँ हर बार हंसकर जवाब देती थी कि भूत हर किसी को नहीं दिखता है। इस बात को सुनकर मैं हमेशा सोचती रहती थी कि आखिर हमें भूत क्यों नहीं दिख सकता है। तब से मैंने बहुत हॉरर मूवीज देखना शुरू कर दी और बहुत सारे हॉरर बुक्स भी पढ़ना शुरू कर दिया। फिर एक दिन अचानक हमारे घर पे डैडी के फ्रेंड आए, उन्होंने हमें आनंद रेसिडेंसी फ्लैट के बारे में बताया और बताया उस फ्लैट में भूत रहता है और इसी वजह से उस फ्लैट में आज तक कोई नहीं रहता। इस बात को सुनकर मुझे इस फ्लैट में बहुत इंटरेस्ट आने लग गया। कुछ भी करके मैं उस फ्लैट में जाकर स्टे करना चाहती थी और मैंने डिसाइड कर लिया था कि कुछ भी हो जाए मैं उससे बात करके ही रहूंगी। घर पर झूठ बोलकर मैं उस फ्लैट में रहने लग गई। वॉचमैन से मुझे चाबी इजीली मिल गई थी। उस घर में मेरा एक हफ्ता बिल्कुल आराम से गुजर गया सर, पर एक दिन अचानक मुझे वो भूत दिख ही गया सर। दरअसल वो एक आत्मा थी सर, जिसका सर ही नहीं था। उसे अचानक देख के मैं बहुत डर गई सर। इतने दिनों तक मैं वहाँ आराम से रही सर, लेकिन उसे देखकर मैं बहुत डर गई और उस डर के कारण मैं घर भाग के आ गई सर। ये एक्सपीरियंस बहुत ही डरावना था। मेरा जो बचपन से सपना था अब हकीकत में बदल चुका था सर, इसीलिए मुझे लगा मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मुझे ब्लॉग में लिखकर शेयर करना चाहिए, इसीलिए मैंने ये लिखा था। ओके थैंक यू, जरूरत पड़ी तो दोबारा कॉल करूंगा। इन्वेस्टिगेशन करके मैं ये साबित करूंगा कि वहां कोई भूत प्रेत नहीं है, ये सब मुझ पर छोड़ दो। ओके। okay.
गुरुजी का फोन अभी कैसे? इस वक्त उनका कौन? साहब, साहब नमस्ते साहब। साहब, इस वक्त आपको मेरी कैसे याद आ गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। पी रहा है क्या? पी लिया। ऑलरेडी दो पैग अंदर जा चुका है। आपकी दी हुई सीख मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ साहब। आप कहते हैं ना, ड्रिंक एंड ड्राइव, ड्रिंक एंड ड्यूटी, नहीं करने का। अगर आप बोलते हो तो ड्रिंक एंड फोन टॉक भी नहीं करूंगा। वो बात नहीं है रे, मैं जो भी बोल रहा हूँ वो ठीक से सुन। मैं इस समय कहाँ हूँ तू जानता है? सर रास्ता भटक गया तो मैप में चेक कर लो। मेरा मतलब मुझे कैसे पता कि आप कहाँ होंगे? कल जो कंप्लेन आई थी ना, मैं इस समय उसी अपार्टमेंट में हूँ। अयो! रात के 11:30 बज चुके हैं, बिल्कुल अकेला हूँ। अभी तक तो मुझे कोई भूत वूत नहीं दिखाई दिया है। सब वहां जाने की क्या जरूरत थी? भूत लोग की फट जाएगी तो? इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। साहब आपकी बात तो मुझे हिम्मत आ गई। पहले मैं बहुत नाजुक था, लेकिन आपसे मिलकर मैं बहादुर हो गया हूँ। तू बहुत हिम्मत वाला है ना? हाँ। तो सुन, यहाँ जो भी गेम चलेगा उसकी मैं लाइव कमेंट्री तुझे देता रहूंगा, तू चुपचाप सुनता रहना। साहब इतना भी बहादुर नहीं हुआ कि लाइव कमेंट्री सुन सको। मेरी बीवी भी मायके गई हुई है, अगर रात में सुसु लगी तो मैं अकेले टॉयलेट भी नहीं जा पाऊंगा साहब।
आप कमेंट्री मुझे फोन से व्हाट्सएप कर देना, नहीं तो साहब मेरा घर में अकेला रहना मुश्किल हो जाएगा। अबे डरपोक तू मेरी बात सुन, यहाँ भूत भूत कुछ नहीं है, कोई जानबूझकर ये सब नाटक कर रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन, जब मैं नया नया पुलिस ऑफिसर बना तो ऐसा ही एक केस आया, एक चोर भूत का नाटक करके एक अपार्टमेंट में घुसता और सब लोगों को वहां से डराकर भगा देता है और फिर सारा माल लेके भाग जाता है। उस केस को मैंने टेकअप किया और साबित कर दिया कि वहां भूत भूत कुछ नहीं, एक चोर था। यह भी वैसा ही कुछ है, तू बस देखता रहे, साबित कर दूंगा मैं। अच्छा सुन 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 सुन, अगर भूत दिखाई दिया ना तो दोबारा तुझे कॉल करूंगा। नहीं, फोन उठाना और मुझसे बात करते रहना, नहीं तो अकेला यहां मैं बोरी हो जाऊंगा। ठीक है, चल रखता हूं, बाय रे। जैसी आपकी मर्जी। हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो मैम, मैं अजय बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, इस वक्त आपने कैसे याद किया? मैं इस समय आपके वो आनंद बाग वाले अपार्टमेंट में बैठा हूँ, यहाँ आकर मुझे 5-6 घंटे हो गए, अभी तक तो मुझे कुछ दिखा भी नहीं है और कुछ महसूस भी नहीं हुआ है। शायद मैं यहाँ आ गया हूँ ये जानकर कहीं चली गई होगी। देखकर तो लगता है कि ये किसी ने जानबूझकर कहानी बनाई, किसी इंसान का काम तो है नहीं। वहाँ एक भयानक आत्मा है, ये बात मैंने बताई थी सर आपको, वहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है सर। मेरी बात मानिए प्लीज और वहाँ से निकल जाइए, मैं वहाँ नहीं रह पाई तो आप कैसे रह सकते हैं? वो सब तो मैं देख ही लूंगा, पर आपने बातें करते करते कहा कि मैं खुद वहाँ नहीं रह पाई तो आप वहाँ कैसे रहोगे? एक बात बताओ, तुम किसी चंद्रमुखी की सिस्टर या कोई घोस्ट बस्टर हो? देखो सिर्फ दो दिन में मैं ये साबित कर दूंगा कि यहां सब ठीक है। वेट एंड सी, ओके? हो गया क्या डर के मारे? नहीं साहब, आपकी स्टोरी में क्या नया ट्विस्ट है वही सोच रहा था। कुछ नहीं, बस अभी एक छोटा सा सीन हुआ, बताऊं क्या? मजाक उड़ा रहे हो ना सर, मैं नया नया हिम्मत वाला बनाऊं, मुझे डरपोक नंबर 1 मत बनाइए, बार बार फोन करके डराइए मत। अरे राजू राजू, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, होता तो अभी तक बाहर आ गया होता।
चलो मुझे नींद आ रही, तू भी सो जा, बहुत हो गई कहानी। लगता है सांप भी फट्टू है, इसलिए बार बार मुझे फोन करके अपने दिल का डर भगा रहे हैं। नहीं मैंने कुछ नहीं किया। क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है? तुझे क्या लगा कि मैं वहीं रह जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा? साहब ऐसा नहीं है साहब। राजू, अरे इतना टाइम हो गया है, एक बार भी फोन करके पूछने का मन नहीं हुआ कि सर आप कैसे हैं, किस हाल में हैं। सही बात है, पर मैं जैसे तैसे पुलिस स्टेशन पहुंचा हूं, पूरी रात भर सो नहीं पाया साहब, आपकी बात ही दिमाग में घूम रही है। अरे पागल राजू, मैं उस अपार्टमेंट में अकेला था पूरी रात, अगर उस घर में कुछ भी होता तो मेरे साथ भी कुछ करता ना? करता कि नहीं करता? हाँ साहब। रेडी रहना, रात को मेरे साथ ही रहना है। साहब ऐसा मत कीजिए, मैं आपके पैर पड़ता हूँ साहब, एक मासूम बच्चे की जान मत लीजिए, प्लीज साहब मुझे उस बिल्डिंग में मत ले जाइए, ऐसा मत कीजिए प्लीज साहब। डर मत, बस रात को रेडी रहना। साहब साहब मेरी बोली शक्ल पर तरस तो खाओ। ये तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है। बोलिए सर। मैं अभी अभी दोबारा इस घर में पहुंचा,
आते ही देखा तो डोर ओपन था। अंदर आकर सब ढूंढा तो कोई दिखा नहीं। कोई तो रहता है यहां, ऐसा शक तो होने लगा है, पर कौन है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इससे पहले जब आपने यहां पर स्टे किया था तो आपको भी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ था? वो यहां कुछ हुआ, जरा होल्ड करो। हेलो, आप लाइन पे है ना? अभी कोई तो अंदर आया है और आकर अंदर से दरवाजा लॉक कर लिया है, पर अंदर आकर मैंने देखा तो कोई भी नहीं है। इस फ्लैट में मेरे अलावा और कोई भी रहता है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगने लगा है। मैं भी आपसे यही कह रही थी सर, उस फ्लैट में एक माँ बेटी की आत्मा रहती है सर। आप एक काम कीजिए, आप तुरंत ही वहां से निकल जाइए, आपके लिए ठीक नहीं है सर। प्लीज आप मेरी बात मानिए। आप जानती भी हैं आप किससे बात कर रही हैं? आप मेरे ईगो को हर्ट कर रही हैं। आपको पता भी है कि मैं आपको कॉल क्यों कर रहा हूँ? अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो इस केस का सलूशन मिल सकता है, इसीलिए। इसलिए नहीं कि यहाँ कोई आत्मा रहती है, उसकी माँ रहती है और ये सुनकर मैं डर के भाग जाऊंगा। प्लीज कोऑपरेट कीजिए।
हेलो सर, आप अभी तक पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आए सर? आप क्या परमानेंट वहीं रहना चाहते हैं? आ जाइए ना सर, आपके बिना मुझे ये स्टेशन बहुत सूना सूना लगता है सर, प्लीज सर अब आ जाइए ना। बस और दो दिन में ही सब क्लियर हो जाएगा। लगता है उसे मेरी गंध लग गई है इसलिए वो नहीं आ रहा। उल्टा मुझे डराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मैं इसे डरने वाला नहीं हूँ। तुझे बाद में कॉल करता हूँ। ओके सर। Thank you.
सचमुच इस घर में कोई तो है जो मुझसे भी बच बच कर घूम रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि वो कोई इंसान नहीं है, वो जरूर कोई ना कोई आत्मा ही है। मैंने आपसे ये पहले ही कहा था सर, लेकिन आपको मेरी बात सुननी नहीं थी। आपका वहां रहना खतरे से खाली नहीं है सर, आप वहां से जल्द निकल जाइए सर। इट्स नॉट सेफ फॉर यू। तुम क्यों बेताब हो रही हो? हाँ, मुझे यहां से भगाने की कोशिश में लगी हुई हो, सच बताओ। अच्छा, पकड़ी जाओगी इसीलिए डर लगने लगा है। आप ये क्या कह रहे हैं सर? डरने के लिए ऐसा कौन सा गलत काम किया मैंने? आपकी भलाई के लिए तो कह रही हूँ ना, अगर आपने इस प्रॉब्लम का सलूशन निकाला तो अच्छा ही होगा ना। बेटर टू लीव इमीडिएटली। अब तो मुझे थोड़ा थोड़ा तुम पर भी शक होने लगा है। प्रॉब्लम सॉल्व होने तक मैं यहां से कहीं नहीं जाने वाला। सचमुच इस घर में कोई तो है जो मुझसे भी बच बच कर घूम रहा है, और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है और मुझे ऐसा डाउट हो रहा है कि वो कोई इंसान नहीं है, वो जरूर कोई ना कोई आत्मा ही है। मेरी क्या गलती थी भैया, मुझे क्यों मार दिया? बताओ भैया, मेरी क्या गलती थी, मुझे क्यों मार दिया? मैंने जिस लड़के से प्यार किया, क्या उससे शादी करना ही मेरी गलती थी? क्या आप सब लोग मुझसे सिर्फ इतना ही प्यार करते थे क्या? मेरे लिए प्रेम कम और मेरे पति के लिए गुस्सा ज्यादा हो गया था क्या भैया? ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? आ, 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 आ,
Hey! तूने हमारे खिलाफ जाकर अपनी मर्जी से उस लड़के से शादी कर ली और अब तू चाहती है कि मैं तुझे आशीर्वाद दूं? तू किस मुंह से यहाँ पर आई है? यहाँ तक तुझे शर्म नहीं आई? भैया मुझे एक बात बताओ कि मैंने ऐसा किया ही क्या कि आप मुझ पे इतना भड़क रहे हो? ये मेरी लाइफ है, मैंने जिसे प्यार किया उसी से शादी की ना, और ये बात आप सहन नहीं कर पा रहे हो। बस इतना ही ना? क्या आपने मुझसे कभी भी प्यार नहीं किया? क्या आपको मेरी इतनी भी चिंता नहीं थी? आपने मेरे पति के साथ कैसा व्यवहार किया? आप एक बार सोच के तो देखिए भैया, मैंने वाकई कुछ गलत किया है? क्या मेरे कोई अधिकार नहीं है भैया? क्या आपके संस्कार गलत थे भैया? भैया मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया जिसकी वजह से आपकी नाक कट जाए। तूने सबके सामने हमारी नाक कटा दी है, तेरी वजह से हमारा बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। आपकी नाक कट जाए ऐसा मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अगर आप समाज में इज्जत पाना चाहते हैं तो पहले दूसरों को इज्जत देना सीख लीजिए भैया, तब आपको आपके पैसे के लिए नहीं बल्कि एक अच्छा इंसान होने के लिए भी इज्जत मिलेगी। बहुत बोल लिया, बस बहुत बोल लिया तूने। बड़ी बड़ी बातें बोलने में अच्छी लगती है पर जब खुद पर पीती है तो पता चलता है। बात सुन, मेरे लिए मेरी जान से भी ज्यादा मेरी इज्जत इम्पोर्टेंट है। मेरी इज्जत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। तेरा पति कभी नहीं मान सकता। उनके बारे में सम्मान से बात कीजिए भैया, अब वो मेरे पति हैं। बहन के लिए जान देने वाले तो बहुत भाई देखे हैं, लेकिन तुम जैसा निर्दयी नहीं देखा। एए! अब तक जान देने वाले भाई को देखा है तूने, अब तो जान लेने वाले भाई को देखेगी। चली जा बाहर और फिर मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। गेट आउट। सुन जो मैं बोल रहा हूं। भैया आओ। हैप्पी बर्थडे। हे अनु, भैया ने भी तुम्हें विश करने के लिए कहा है। थैंक यू। तुझे एक बात पता है, भैया खुद आने वाले थे। सच में भैया आप मुझसे बिल्कुल नाराज नहीं है? कैसी नाराजगी अनु, तुम्हें जो सही लगा तुमने किया, अब जो हमें सही लगेगा हम करेंगे। वो बहुत जल्दी आकर मिलेंगे तुमसे। ठीक है भैया, मैं कॉफी लाती हूँ। लीजिए भैया। एक ग्लास पानी लाओगी प्लीज? हाँ अभी लाती हूँ।
भैया ये लीजिए पानी। ओके बाय बाय भैया, टेक केयर। बाय। मुझे माफ कर दो।
कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? भाई मार दिया दोनों को मैंने। तू वहां से निकल, बाकी सब कुछ मैं देख लूंगा। हाँ तो जिंदा है। रोक 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 अन्नू कहाँ है? तूने क्या किया उसके साथ? बोल। केस अन्नू की बात कर रहा है? उसे तो कब का ऊपर भेज दिया मैंने। मुझे लगा तू भी मर गया है, लेकिन तू तो जिंदा निकला। पर आज तू नहीं बचेगा, आज तुझे भी अन्नू के पास भेज दूंगा। मेरी बहन चाहिए। मुरली 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 मुरली।
अनु।